हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लीनियर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली पूरा टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, बस दो थ्योरम्स हैं जो दोनों थ्योरम्स में करा देता हूँ। फर्स्ट थ्योरम 4.3, ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केवल थ्योरम्स ही पूछी जाती है। ये 2013 में, 2014 में और 2018 में तीन बार पूछी गई है। क्या है बेटा कि अगर डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी एंड वी बाय डब्ल्यू एक कोशेंट स्पेस है ऑब्वियसली, तो वी बाय डब्ल्यू जो है वो वी की होमोमॉर्फिक इमेज होगी। मतलब एक कोई ना कोई ऐसी एक मैपिंग एफ अवेलेबल होगी सच दैट वी से वी बाय डब्ल्यू में ये एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म बनाता हो। ये अपन को प्रूव करना है, और ये भी प्रूव करना है कि जो कर्नल होगा वो W होगा। इस होमोमॉर्फिज्म का या फिर जो इस मैपिंग का कर्नल होगा वो W होगा। चलिए प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो ये मैपिंग आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, आपको ये याद रखनी है मैपिंग इस बार है एफ वी से वी बाय डब्ल्यू में है, और एफ एल्फा जो है वो W प्लस एल्फा है। ये मैपिंग आपको याद रखनी है। अब अपन ये प्रूव करेंगे जो एफ है ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और दूसरा ऑन टू रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट एल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर स्पेस वी, एंड ए एंड बी आर सम कॉन्स्टेंट फ्रॉम दिस फील्ड एफ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे अपन। एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बीटा लाएंगे। तो क्लियरली बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ वी कैन राइट दिस एज डब्ल्यू प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा। ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज डब्ल्यू प्लस ए अल्फा एंड डब्ल्यू प्लस बी बीटा बाय प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये पढ़ा है अपन ने पहले। अगेन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए ऑफ डब्ल्यू प्लस एल्फा एंड बी इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ दिस इज एफ एल्फा प्लस दिस इज एफ बीटा। तो दिस इक्वल्स टू दिस आ गया, तो मतलब एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू का क्या मतलब हुआ कि v बाय डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट आप उठा लो उसकी एक प्री इमेज v में अवेलेबल होगी फॉर f। तो v बाय डब्ल्यू एक कोशेंट स्पेस है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट होंगे। तो फॉर ऑल w प्लस एल्फा v एलिमेंट ऑफ v बाय डब्ल्यू देयर एग्जिस्ट एल्फा एलिमेंट ऑफ v। क्लियरली v कोसेट्स के लिए जो ये एल्फा है वो v से उठाते हैं। तो v बाय v w प्लस एल्फा v बाय w का कोई भी एलिमेंट उठा लो वो एल्फा v के अंदर होगा ही होगा। तो दैट इंप्लाइज व्हाट, f इज एन ऑन टू मैपिंग। ओके, एंड फर्दर w प्लस एल्फा आपको ये भी प्रूव करना है कि कर्नल जो है वो w है। तो कर्नल, एक सेकेंड कर्नल की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। कर्नल क्या होगा बेटा f का, दोज एलिमेंट्स ऑफ वी जिसकी इमेज डब्ल्यू के बराबर हो। ओके, जिसकी इमेज डब्ल्यू के बराबर हो वो सारे एलिमेंट्स कर्नल कहलाएंगे। इसके वी के वो एलिमेंट्स जिनकी जो डब्ल्यू से इसकी आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी डब्ल्यू है से जुड़े होंगे वो सारे एलिमेंट्स का सेट कर्नल कहलाएंगे। तो इसको मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं, दोज एलिमेंट्स ऑफ वी सच दैट एफ एल्फा, एफ एल्फा एल्फा का मतलब हुआ डब्ल्यू प्लस एल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो वो एलिमेंट जो डब्ल्यू प्लस एल्फा जो है डब्ल्यू के बराबर बनाते हो वो एलिमेंट्स कर्नल के अंदर आएंगे। ऑल्सो एल्फा इज एलिमेंट ऑफ वी सच दैट अगर डब्ल्यू प्लस एल्फा डब्ल्यू के बराबर है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब एल्फा डब्ल्यू के बराबर हो, एल्फा जो है डब्ल्यू का एलिमेंट हो। अब एल्फा वी का भी एलिमेंट होना चाहिए, एल्फा डब्ल्यू का भी एलिमेंट होना चाहिए, और वी डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी। तो वो सारे एलिमेंट्स जो V और W दोनों के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे केवल
डब्ल्यू के एलिमेंट्स, मतलब डब्ल्यू कर्नल ऑफ एफ जो होगा वो डब्ल्यू ही आ जाएगा, डब्ल्यू के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो कर्नल में होंगे, तो कर्नल ऑफ एफ इज़ डब्ल्यू आ गया। तो ये सब कुछ प्रूव हो गया। एफ ऑन टू मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। और कर्नल ऑफ एफ डब्ल्यू के बराबर है, इसका मतलब ये भी सेकंड जो चीज़ प्रूव करनी थी वो भी हो गई, हेंस प्रूव्ड। सिंपल थी ये थ्योरम। चलिए एक और थ्योरम है इसी में, और भी काफ़ी सारे थ्योरम्स हैं पर वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम में ना कभी पूछी गई है ना आपके सिलेबस में है। रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी पहले मैं आपको बता दूं नलिटी क्या होती है। जो आपका नल स्पेस होता है किसी भी मैपिंग में, सपोज डब्ल्यू से वी में कोई मैपिंग है, डब्ल्यू का जो कर्नल होगा, इस मैपिंग का कर्नल बोलेंगे, जिस जो कर्नल होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो नलिटी कहलाएगा, नलिटी ऑफ एफ कहलाएगा। ओके, इसको सिग्मा ऑफ एफ भी लिखते हैं, जो मैपिंग का रैंक नलिटी होगी वो सिग्मा ऑफ एफ से भी लिखा जाता है। और रैंक जो मैपिंग है और एफ की जो रेंज है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ओके, इसके वो एलिमेंट्स जो इसकी इसकी इमेज बनाते हैं, इसके इस मैपिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स जुड़े होंगे कुछ एलिमेंट नहीं जुड़े होंगे, तो वो एलिमेंट्स का सेट जो सारे जुड़े हुए हैं जिनकी प्री इमेज अवेलेबल है वो सारे रेंज ऑफ एफ कहलाएंगे। अब रेंज का जो डायमेंशन होगा वो आपका रैंक कहलाएगा, रैंक ऑफ एफ कहलाएगा। ओके, तो आपको थ्योरम अब प्रूव करनी है, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी भी बोलते हैं इस थ्योरम को। कि किसी मैपिंग टी के लिए, टी कोई मैपिंग है वी एफ से वी डैश एफ में, जहां पे वी एफ एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, रैंक ऑफ टी जो है प्लस नलिटी ऑफ टी जो है इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी होगा। ध्यान रखना वी एफ कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। ध्यान रखना नलिटी होती है कर्नल का डायमेंशन और रैंक होता है इस जो मैपिंग है उसकी रेंज का डायमेंशन। ओके, और डायमेंशन ऑफ वी आप सब जने जानते ही हैं, तो चलिए प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं ये प्रूव कर लेता हूं कि जो ये आर है रेंज, वो वी बाय के क्वोशेंट ग्रुप ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू दिस के कर्नल, ये आइसोमॉर्फिक है या आइसोमॉर्फिज्म है, दोनों में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। आइसोमॉर्फिज्म होता है कि एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में जो वन वन भी है और ऑन टू भी है। अगर वन वन ऑन टू रिलेशनशिप इनमें वेरीफाई कर सके, ऐसी कोई मैपिंग अपन बता सकें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और वन वन भी ऑन टू भी है, तो अपन ये कह सकते हैं कि इन दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। अगर इन दोनों का डायमेंशन बराबर हो गया तो अपन इसके आगे ये लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, इसको मैंने थ्योरम बताई थी, डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ के लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में अपन ये थ्योरम डिस्कस की थी। इसको तो लाओगे तो डायमेंशन ऑफ आर प्लस डायमेंशन ऑफ के इसको डायमेंशन ऑफ वी हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ आर का मतलब रैंक हो गया, रैंक ऑफ जो भी मैपिंग है आपकी टी वो रैंक उस मैपिंग का रैंक हो गया, और डायमेंशन ऑफ के हो गया नलिटी ऑफ दैट मैपिंग, नलिटी ऑफ टी, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो अपन को करना क्या है, इस कोई मैपिंग ऐसी बतानी है जिसकी जिसका रेंज स्पेस और जिसका वी बाई के, जहाँ पे के कर्नल है, के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पे वापस वही बात बेटा, ये मैपिंग आपको याद रखनी है, क्या है देखना बेटा, लेट डायमेंशन ऑफ वी एफ या वी एफ इज
एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड फाई एक मैपिंग है, टी की जगह फाई यूज करूं, जो रेंज स्पेस आर से, यहां पर टी नहीं लिखना था, फाई लिखना था, रेंज स्पेस आर से वी बाय के लिए है, जहां पे आर क्या है, आर है कोई मैपिंग, आर है रेंज ऑफ मैपिंग टी के, दो मैपिंग है यहां पे, टी अलग है और फाई अलग है। फाई तो मैं यूज करूंगा दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए, और ये टी वो मैपिंग है जिसकी रेंज आर है, एंड के इज कर्नल ऑफ टी। ठीक है, अब मैं फाई को लिख देता हूं, फाई की डेफिनेशन लिख देता हूं, कोई भी ये रेंज ऑफ आर से, सॉरी रेंज ऑफ टी से वी बाय के लिए है ना बेटा, तो रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ टी के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, टी अल्फा, भाई टी मैपिंग है वी से वी डैश में, वी से वी डैश में मैपिंग है टी। अब टी के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे बेटा, ये अल्फा है, तो इधर जो मैपिंग होगी अल्फा की वो टी अल्फा से जुड़ी होगी, तो यहाँ से एलिमेंट उठा रहा हूँ ना बेटा मैं, तो टी अल्फा कोई एलिमेंट है, फाई टी अल्फा का मतलब है के प्लस अल्फा, ये मैपिंग आपको याद रखनी है। ओके, अब ये जो मैपिंग है ये वन वन है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये तीनों में प्रूव कर दूं तो ये हो जाएगा कि आर और वी बाई के आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक है दोनों एक दूसरे के, तो अगर आइसोमॉर्फिक हो गए तो डायमेंशन दोनों के बराबर होंगे, उसके बाद ये चीज़ प्रूव करके अपन अपना रिजल्ट ला सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करता हूँ, फाई ऑफ टी अल्फा फाई ऑफ टी अल्फा प्लस ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। ठीक है, क्या होगा बताइए इस डेफिनेशन से, के प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसको मैं सेम डेफिनेशन से जो भी मैंने पिछले थ्योरम में किया था उससे ऐसे लिख सकता हूँ, सेम वही हो गया, ये हो जाएगा आपके फाई ऑफ टी अल्फा प्लस फाई ऑफ टी बीटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो फाई इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वन वन प्रूव करते हैं बेटा, वन वन के लिए क्या प्रूव करते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर हो, फाई ऑफ टी अल्फा और फाई ऑफ टी बीटा अगर बराबर हो तो इससे क्या पता चलेगा, टी अल्फा इसको टी बीटा अपन कर पाएंगे क्या, देखते हैं। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ के प्लस अल्फा, इसकी इमेज फाई की मैं डेफिनेशन से ये लिख दिया मैंने, फाई की डेफिनेशन से इसको लिख दूंगा मैं के प्लस बीटा, के ऑफ अल्फा इज इक्वल टू के ऑफ बीटा हो तो इससे ये पता चलता है कि अल्फा माइनस बीटा जो है एलिमेंट ऑफ के है, अब के कौन है, कर्नल, तो अल्फा माइनस बीटा अगर के का एलिमेंट है तो उसकी जो मैपिंग होगी लीनियर टी वो जीरो डैश होगी, जहाँ पे जीरो डैश इज आइडेंटिटी या जीरो एलिमेंट, इज अ जीरो एलिमेंट ऑफ वी डैश, क्योंकि टी तो वी से वी डैश में मैपिंग की ना, तो वी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो इससे क्या पता चला बेटा कि टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा जीरो डैश के बराबर होगा। टी एक लीनियर मैपिंग है तो आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लीनियर मैपिंग की डेफिनेशन है ये, तो इससे पता चला टी ऑफ अल्फा इसको सिर्फ जीरो डैश प्लस टी ऑफ बीटा, टी ऑफ बीटा वी डैश का एलिमेंट होगा और जीरो इसका जीरो एलिमेंट है, तो जीरो डैश प्लस टी बीटा ही रहेगा, तो ये पता चल गया कि जब भी फाई ऑफ टी अल्फा इसको टू फाई ऑफ टी बीटा होगा तब टी ऑफ अल्फा इसको टी ऑफ बीटा है, इसका मतलब ये हो गया फाई इज वन वन। ओके,
और ऑन टू के लिए k प्लस अल्फा आप v बाय डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट उठा लो, ये तो क्लियर ही है, v बाय के का कोई भी एलिमेंट उठा लो, k प्लस अल्फा, अल्फा तो v का एलिमेंट होगा, तो ये जो t अल्फा जो होगा वो क्लियरली एलिमेंट ऑफ v डैश होगा ही होगा, है ना। तो ये जो phi है वो एक ऑन टू रिलेशन है। तो बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, मतलब क्या हो गया, phi एक आइसोमॉर्फिज्म है, phi इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू वी बाय के, मतलब दोनों इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि दोनों का डायमेंशन बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ आर इसको टू डायमेंशन ऑफ वी बाय के होगा। अभी मैंने ये बताया था, वापस बताता हूँ, डायमेंशन ऑफ आर इसको टू डायमेंशन ऑफ, ये थ्योरम थी, वी बाय के का डायमेंशन इसको टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ के होता है, पिछले वीडियो में देखा था अपने ये। तो इससे पता चला डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आर प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस के इसको टू डायमेंशन ऑफ वी हो गया। रेंज स्पेस आर का डायमेंशन होता है रैंक, रैंक ऑफ टी, प्लस नल, डायमेंशन ऑफ के होता है नलिटी, नलिटी ऑफ टी इसको टू डायमेंशन ऑफ वी हो गया। इसको रैंक, रैंक को अपन रो से भी लिखते हैं, नलिटी को अपन सिग्मा से भी लिखते हैं, इसको टू डायमेंशन ऑफ ये भी लिखा जाता है, या कई जगह डायमेंशन ऑफ वी एन है ना, एन से भी लिखा जाता है बेटा, सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हो। बस इस एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछे गए कभी, आप बस ये दो थ्योरम्स का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, अपना पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो से अपना पेपर सेकंड शुरू करेंगे, और डाउट्स होता आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।